गाइस 29 साल की उम्र में आपने किसी को जॉबलेस देखा है? मुझे देख लीजिए, कितना गरीब हूँ मैं। और दोस्तों, अब तो घर पे खाने के लिए खाना भी नहीं है। अली मजा आ गया ही ही ही। ये किसकी है? व्हाट, ये क्या? अरे वाह 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 वाह, फ्रेंकलिन भैया देखिए मेरी एज कितनी हो गई। अरे तू तो 5 साल का है सिंचन, एज से क्या मतलब है तेरा? और ये सूट कहाँ से आ गया इतना खतरनाक? आपको पता भी इसकी एज कितनी है? व्हाट गाइस, इसकी एज देखिए, इसकी एज है 15,000 साल। बिल्कुल सही कहा। ये सूट मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। आपके पास क्या है? बोलो बोलो क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अब चुपचाप निकलो यहाँ से। भाई मुझे भी बता दे यार, तूने पैसे कहाँ से कमाए? और एक मिनट, तू छोटा सा हुआ करता था, ये कितना बड़ा हो गया तू? अरे आपको शौक लगा क्या? चलो निकलो यहाँ से अब। अरे बाप रे, मुझे भगा मत प्लीज, मुझे एक बार बता दे। नहीं बताऊंगा, पहले पैसे लेकर आओ। $100 मिलियन से ज्यादा, हटो यहाँ से। गरीब कहीं के, मैं गरीब लोगों से बात नहीं करता, मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा। अरे दोस्तों, पैसे आने पर छोटे भाई ने भगा दिया, देख रहे हो, मुझसे भी बड़ी एज का बनकर बैठा है। लेकिन गाइस मैं पता करके रहूंगा राज क्या है, जो इतना बड़ा हो गया और इसकी एज इतनी बड़ी हो गई। और अब जल्दी चलता हूँ। ये तो सुनी सुनाई आवाज है, एक मिनट, ये तो रेड हल्क है गाइस। आज पता नहीं कितनी शॉकिंग न्यूज मिलेंगी मुझे, देख रहे हो, इसकी एज 47 है वैसे रेड हल्क की, लेकिन ये इतना पैसा क्यों लेकर आया? कहीं मेरा सिंचैन कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा? अगर ऐसा होगा तो मैं इसको पुलिस में पकड़वा दूंगा। जल्दी जल्दी देखता हूँ। आ जाइए रेड हल्क भैया, तो बताइए क्या चाहिए आपको? और जो भी हो दे दे। अरे जल्दी बताइए कौन सा सूट चाहिए, इतने पैसे में आपको कम सूट मिलेगा। अरे दे तो सही, ये बता साइट का एड्रेस क्या है? साइट का एड्रेस? वो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट साइट से सूट खरीदवाऊंगा। कौन से सूट की बात चल रही है? कम से कम 2,000 साल का सूट तो खरीदवा दे। नहीं, कम से कम 600 साल तक का या 500 साल तक का सूट मिलेगा। क्या हमारा सिंचन सूट बेचता है? 500 साल 600 साल क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। व्हाट? अरे क्या बात है, क्या ये 100 मिलियन वाला खरीद लो? अरे हाँ चलो खरीद लो। अरे वाह, ये तो 3 हेडेड सूट लगता है। क्या 3 हेडेड सूट? एक मिनट गाइस, ये क्या रेड हल्क तो जायंट 3 हेडेड साइरल बन गया। अरे बाप, 500 साल उम्र हो गई मेरी, लेकिन कुछ ज्यादा पतला नहीं हो गया मैं? अरे तो कुछ खा लेना है, मोटे हो जाना। ठीक है, जा रहा हूँ मैं सुनचान, अभी और भी एज बढ़ाऊंगा। गाइस देख रहे हो, मतलब ही सिंचैन को आज कुछ भी हो जाए, एक बार ना इसको सोने दो, मैं इसका फोन चुरा लूंगा, उसके बाद हम ना वेबसाइट ढूंढ कर खुद के लिए भी सूट खरीदेंगे और अपनी एज कम से कम 20,000 साल बनाएंगे। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर रात हो चुकी है, अब चलो जल्दी से चलते हैं और हम ना सिंचैन का फोन चुराएंगे। मैं इतना गरीब हो चुका हूँ, मेरे पास फोन तक नहीं है। आज तो मजा ही आ गया है। गाइस यहाँ पर सिंचैन का फोन देखिए, उसके बिल्कुल पास रखा हुआ है, मैं चुपचाप इसको लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, मैंने यहाँ पर फोन ले लिया है, अब जल्दी जल्दी भागते हैं इससे पहले कि सिंचैन या फिर उसका सूट मुझ में बैंड बजाने लगे, मतलब मेरी बैंड बजाने लगे। निकलो 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 निकलो। ओके गाइस, मैं जंगलों में दूर भाग कर आ गया हूँ, मैंने यहाँ पर, अरे ये क्या, हल्क शॉप तो लॉक्ड है। चलो एक काम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, एंड साथ साथ में कमेंट में ATGamerOP लिखो, नहीं तो ये वेबसाइट खुलने नहीं वाली। प्लीज गाइस एक बार ATGamerOP लिखना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस गरीब फ्रैंकलिन को एज बढ़ानी है और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कमॉन कमॉन। अरे वाह, यहाँ पर वेबसाइट खुल चुकी है, $1 से लेके $100 मिलियन तक का सूट यहाँ पर अवेलेबल है। ऑलराइट दोस्तों, हम एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं और जाकर एक सूट खरीदते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले $1 भी तो चाहिए। $1 कहां से करूं समझ नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, जाकर किसी से भीख ही मांग लेंगे। ये किसका कॉल है? चल जल्दी आ मेरे पास। अरे मैं फ्रैंकलिन हूं। अरे जो भी हो जल्दी आ, मुझे तेरे लिए जॉब देनी है। ओके ओके, आता हूं। गाइस सिंचैन का फोन है, तो टोनी स्टार्क ने समझा सिंचैन को बुला। ये क्या, इतने सारे कचरे? अबे भाई यार, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। फ्रैंकलिन जल्दी से सारे कचरे को साफ कर, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। सच बता रहा हूं, मैं आयरन मैन के सूट बनाने में इतना बिजी हो गया कि घर की साफ सफाई नहीं कर पाता हूँ। मेरी मेड भी भाग चुकी है। क्यों, तूने उसको पैसे दिए थे? ऐसा नहीं था, बस वो मैं थोड़ा सा बिजी था। और तुझे काम करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर बिल्कुल अंदर तक का कचरा साफ करना होगा। बेटो निष्ठा, तूने कचरा खाना खोला था क्या? गाइस इतना कचरा किसके घर में होता है? मेरे घर में, देख ले भाई तू। अब जल्दी से सारे के सारे कचरे को साफ कर, जितनी जल्दी कचरा साफ करेगा इतनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा तुझे। ऐसी बात है क्या? लगता है गाइस टोनी स्टार्क तो आज हमको अमीर बना देगा, फिर हम अपनी एज को 20-25 हजार बना लेंगे, फिर ना मैं टोनी स्टार्क देखना उस सिंचैन को चिढ़ाऊंगा। हाँ चढ़ा लिया जिसको चढ़ाना हो। ऑलराइट गाइस, एक कचरा उठा लिया, लेकिन ये बहुत ही हार्ड काम है। कमोन कमोन, भागो 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 भागो, काफी थक गया। अरे मेरे बस की नहीं है, इस ट्रक के अंदर ही कर देता हूँ गाइस मैं तो। अब फ्रैंकलिन जल्दी कर, जितना ज्यादा समय लगाएगा इतने कम पैसे मिलेंगे। अरे ऐसा मत बोल गाइस।
मेरी हालत खराब हो गई, देख रहे हो कब से साफ सफाई करवा रहा है ये टोनी स्टार्क, 4 घंटे हो चुके हैं। मैंने कहा था जितनी जल्दी करेगा उतना पैसा मिलेगा। कोई नहीं गाइस, कम से कम 1-2 मिलियन और तो अभी भी मिल जाएंगे। खैर मैंने सारा कचरा ट्रक में डाल दिया है, चलो अब जल्दी जाता हूँ। टोनी स्टार्क मैंने तेरा पूरा घर साफ कर दिया, अब जल्दी से भाई 1 मिलियन डॉलर तो दे ही दे। तुझे 1 मिलियन डॉलर चाहिए? अभी देता हूँ। तेरा नाम क्या है? फ्रैंकली नाम है। ये ले 1 डॉलर। व्हाट, ये क्या कर रहा है तू? अबे गाइस ये तो धोखा है, अब ऐसे क्यों कर रहा है? अबे बेवकूफ, एक तो मैंने तुझसे कहा था जल्दी काम कर, मेरा तुम्हें बर्बाद कर दिया, करोड़ों रुपए खाली करवा दिए। अरे ये कौन सा कानून है? मेरा कानून है निकल यहाँ से। 1 तो 1 डॉलर दे दिया, ऊपर से नखरे दिखाता है, बेवकूफ कहीं का। अरे यार तू कितना बुरा है स्टॉक, तो देख लेना मैं तुझसे भी बदला लूंगा जब मेरी एज आगे बढ़ जाएगी। अबे तेरे बस की नहीं है कुछ भी। गाइस देख रहे हो क्या बोल रहा है वो? बहुत हो गया, कम से कम 1 डॉलर में एक सूट तो मिल रहा है हमको, 4 घंटे में 1 डॉलर कमाया। व्हाट, कोई नहीं गाइस, ये कैसा सूट है यार? ये तो ब्लैक एंड पिंक टाइप का सूट है, इसको बाय करूं? गाइस लुक एट मी, मेरी एज यहाँ पर 51 इयर्स हो चुकी है, लास्ट टाइम थी 29 इयर्स। और गाइस यहाँ पर पावर तो है नहीं मेरे पास। ओह नो, अब एक काम करते हैं जल्दी फोन निकालते हैं। बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, शहर के बच्चे गायब हो रहे हैं। बोला गया कि वो जब भी गटर के पास जाते हैं सीवर लाइन के पास, वहां पर कोई भूत आकर उनको खा रहा है या कुछ कर रहा है। जो भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करके बच्चे बचाएगा उसको खुद तरीके का पैसा मिलेगा। क्या बात है गाइस, मुझे यहाँ पर बस इस मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। तो गाइस मैं यहाँ पर गटर में तो आ चुका हूँ लेकिन यहाँ मुझे कोई दिख नहीं रहा, जल्दी जल्दी जाता हूँ। दोस्तों ये तो बहुत ही हॉरर सीन है, कितना ज्यादा अंधेरा है। एक बार मैं बच्चों को बचा लूँ, उसके बाद गाइस हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे कोई बिचारे, अमीर बिचारे। अरे बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ। अरे अंकल जी भागो यहाँ से, वो आपको खा जाएगा। अरे अंकल जी वो आपको खा जाएगा। कौन खा जाएगा, क्या बोल रहे हैं? मैं खा जाऊंगा। ये कौन था? अरे बाप रे, ये तो पेनी वाइज है, तू तो बच्चों को डराता है। मैं तुझे भी डराऊंगा। कौन है तू? मैं फ्रैंकलिन हूँ। फ्रैंकलिन, ये ले, तू बच्चे का नहीं। अबे ये काम कर लेता। अरे कौन है ये काम करने वाला? ओह नो गाइस, ओह भाई काम करने वाले भाग यहाँ से, वो तुझे मार देगा। तो फ्रैंकलिन दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ बच्चों के साथ। भाई हमको काम, हम कुछ, तुम तो बच्चों को खा चुके, हमको खा रही हो। भूख लगी थी, किसी को भी खा लूंगा। ओह नो गाइस, ये पेनीवाइज तो बड़ा खतरनाक है। बच्चों मेरी बात सुनो, पेनीवाइज की कमजोरी है हमारा डरना नहीं। अरे हमें डर लग रहा है। अरे डरोगे नहीं तो उसकी कमजोरी बनेगी, मेरी बात मानो, मुझे बिलीव करो। तुम तालियां बजाओ, बोलो फ्रैंकलिन ओपी। ठीक है बोलते हैं, फ्रैंकलिन ओपी, फ्रैंकलिन ओपी। गाइस आप भी कमेंट में प्लीज फ्रैंकलिन ओपी लिखो। हे ये क्या कर रहे हो तुम, मुझसे डरो नहीं, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? अरे वाह, इस पर जादू काम कर रहा है। अरे हाँ गाइस देखिए, आप फ्रैंकलिन ओपी लिख रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है? कम ऑन गाइस, आपको लिखना होगा फ्रैंकलिन ओपी। अरे नहीं, ये क्या, मुझसे बच्चे नहीं डरेंगे तो मेरी सुपर पावर्स तो खत्म हो जाएंगी। नहीं, अरे वाह वाह, फ्रैंकलिन ओपी, फ्रैंकलिन ओपी। अरे हाँ फ्रैंकलिन ओपी, फ्रैंकलिन ओपी। अच्छे तुम चुप हो जाओ, अरे बचाओ मुझे। वाह गाइस देखिए, यहाँ पर पेनीवाइज में आग लग गई। देखा, हमें ना कभी भी ज्यादा चीजों से ज्यादातर डरना नहीं चाहिए। जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं तो हम डरते हैं, लेकिन एक बार पता चल जाए तो उनकी पैंट बचा डालो। ऑलराइट बच्चों मेरी बात सुनो। अरे अंकल जी हम आपके छात्र लेंगे, आप बहुत छुपल हैं। अरे वाह, पहले इस पेनीवाइज को यहाँ से भेज देता हूँ। छोड़ मुझे, नहीं, अरे कितना बुरा मारता है। गाइस मैंने पेनीवाइज की बहुत ही सही तरह से बैंड बजा दी, अब निकल यहाँ से। आज के बाद एक भी बच्चे को परेशान मत करना, परेशान से छोड़ो, छोटे छोटे मासूम बच्चों को खाता है ये ले तेरी तो, ये ले। अरे मुझे माफ कर दे फ्रैंकलिन। गाइस चलो, पेनीवाइज को तो सबक सिखा दिया, अब जल्दी से बच्चों के पास चलते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों चलो अपने मम्मी पापा के पास वापस जाओ। अरे हम नहीं जाएंगे, हम आपके छात्र लेंगे। अरे गाइस जल्दी जल्दी जाओ ना बच्चों, यार यहाँ पर पेनीवाइज के अलावा कोई और आ गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और मेरी एज नहीं बढ़ेगी। ये शुक्रिया अंकल, आपने हमें बचाया, आप जुग जुग जियो। क्या बात है गाइस, बच्चे इतने संस्कारी हो गए, अब चलो जल्दी से भागो यहाँ से। अरे शुक्रिया। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पर सारे बच्चों को भगा दिया है, अब ये अपने घर आसाम से पहुंच जाएंगे, अब चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। एक मिनट, ये कहाँ चल रहे हैं? शायद ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों आइडिया, हमने काम करते हैं, पुलिस को कॉल लगाते हैं जल्दी से और पुलिस से बोलते हैं हमें पैसे दे। कौन है? अरे सर मैंने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पेनीवाइज से बचा लिया। बहुत बढ़िया, ये लो पैसे, कॉल मत करना। गाइस देखिए 37 मिलियन डॉलर मुझे पुलिस वालों ने दे दिया, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं ना। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर 37 मिलियन डॉलर में मुझे एक सूट तो मिल रहा है। अरे वाह, ये तो थोड़ा सा अजीब सा सूट है गाइस, इसको बाय करके देखें। एक मिनट गाइस, ये क्या, आपने हमेशा 4-headed या 5-headed हल्क सूट देखे होंगे, ये तो 4-armed हल्क सूट है। और गाइस यहाँ पर मेरे चेहरे पर
पिंक टैटू है और मेरा कलर यहाँ पर ग्रीन एंड ब्लैक टाइप का हुआ पड़ा है। अरे बाप रे, ये फ्रैंकलिन भैया इतने ज्यादा खतरनाक कैसे बन गए? फ्रैंकलिन भैया चुपचाप बता दो, ये सूट कहाँ सिलाए हो और इसकी एज कितनी है? मेरी एज 1500 साल है, लेकिन मुझे अपनी एज को अभी सिंचन तेरे वाले इस जायंट थ्री हेडेड हल्क सिला से भी ज्यादा बनाना है। ऐसी कितनी बनाओगे? कम से कम 20-25 हजार। अच्छा, इतनी हिम्मत आपकी? चलो मेरे साथ। अरे बाप रे गाइस, ये सिंचन तो बहुत बुरा है। गाइस आप मेरी टीम में हो तो कमेंट में जल्दी से सिंचन टीम लिखो। नहीं दोस्तों, आप फ्रैंकली टीम लिखो, ये हमेशा ना बहुत बुरी तरह से सताता है मुझे। ऐसी बात है क्या? तो अच्छी बात है, आपको सताता ही रहूंगा। अरे बाप रे सिंचन, छोड़ मुझे, पहले सूट दे दो, उसके बाद आपकी जान बख्श दूंगा। सिंचन मैं ना तुझसे भी बड़ा सूट खरीदूंगा और उस सूट पे देखना मेरी शक्ल होगी। अरे चलो आपकी बचकी। अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है गाइस? इसने तो चारों तरफ बिजली लगा रखी है, मैं कैसे बचूं? आप नहीं बच पाएंगे। अब चुपचाप यहाँ पर सूट मेरे हवाले कर दो फ्रैंकलिन भैया। अरे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको सूट तो नहीं देने वाला। एक मिनट गाइस, यहाँ पे रात हो चुकी है, अभी क्या करूं? एक मिनट, यहाँ पर गाइस शुरुआत से मेरे इस जाल में एक गन पड़ी हुई थी, मैंने ध्यान ही दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही वो गन। गाइस क्यों ना हम इस गन का इस्तेमाल करके इस जाल को तोड़ दे। ये ले, क्या बात है, वाह, जाल तो नहीं टूटा लेकिन बिजली का इफेक्ट चला गया, हट यहाँ से। ऑलराइट गाइस, अब भी मेरे पास एक आइडिया है, मैं ना सिंचन का जायंट वाला थ्री हेडेड हल्क जिला सूट बेच देता हूँ किसी को। हालांकि इसकी कीमत कम से कम 500-600 मिलियन डॉलर होगी, लेकिन ये चोरी का सूट है तो कोई मुझे कम पैसे देगा। टोनी स्टार्क के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, 4 घंटे काम करवा के $1 दिया था। इसलिए गाइस अब मैं किसी और के पास जाके सूट को बेचूंगा, जिससे कि मेरी एज कम से कम 20-25 हजार हो पाए, जिससे मैं 100 मिलियन डॉलर आराम तरीके से इसको बेच पाऊं। लेकिन किसको बेचूं? क्या बात है बच्चे, इतना बड़ा सूट कहां लेकर जा रहे हो? अरे सर, मेरा नाम फ्रैंकलिन है। अरे नाम नहीं पूछा बच्चे, बात पूछी है। मैं इस सूट को बेचना चाहता हूँ, इतना महान सूट लगता है तुम्हारा नहीं है? ये तो सच है, देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप मुझे 100 मिलियन डॉलर के सूट के तो पक्का इसका मालिक आपको कभी परेशान नहीं करेगा। उसी बात है क्या बच्चे, सूट तो बहुत ही कमाल का है। चल ठीक है, 500-600 मिलियन डॉलर का सूट अगर 100 मिलियन डॉलर में मिल रहा है तो मेरी तरफ से पक्की बात ये ले। ओह माय गॉड गाइस, हमें 100 मिलियन डॉलर आ गए। अब इससे पहले कि सिंचन आके इंटरप्ट करे, मैं जल्दी से ना एक नया सूट खरीद लेता हूँ। तो गाइस आप सभी तैयार हैं? मुझे खुद नहीं पता कितनी एज का सूट मिलेगा और वो दिखता कैसा होगा। गाइस फिलहाल तो ये हाइड है, चलो इसको देखते हैं। ओह व्हाट गाइस, ये तो लिटरली में एक ब्लैक एंड पिंक थ्री हेडेड फ्रैंकलिन का जायंट हल्क सूट है। ओह माय गॉड गाइस, देखिए मैं कितना बड़ा लग रहा हूँ। अरे वाह गाइस, अब तो मैं सिंचन को छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे सामने आने दो, उसकी मैं बैंड बजा डालूंगा। फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपने मेरा सूट बेचकर ये भद्दा सा काला सा सूट खरीद लिया, अब आप बचेंगे नहीं। गाइस जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिखो, उसके बाद देख ले सिंचन वर्सेस फ्रैंकलिन कौन जीतेगा। जल्दी पार्ट 2 लिखो। हाँ गाइस जल्दी लिख दो, और बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।